निकलते हैं कि जिस लगन से, जिस निष्ठा और समर्पण के साथ आप मध्य प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए लगातार प्रयासरत है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी जाति वर्ग का हो, चाहे वो कुछ किसी भी जगह पर रहने वाला हो, हम सब सबका साथ और सबका विकास का नारा लेकर जिस गति के साथ आप चल रहे हैं, हम सब मध्य प्रदेश के रहने वाले, हम सब सतना जिले के रहने वाले, हम सब रह गांव के कार्यकर्ता आपके हर कदम से आपके साथ में और आपके हर निर्णय का स्वागत करते हुए सरकार के जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को नीचे हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार पुनः सतना जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन की तरफ से रह गांव के क्षेत्रीय अपने जो कार्यकर्ता वर्ग गाँव के निवासी की तरफ से आपका रह गांव से हार्दिक स्वागत है, वंदन अभिनंदन है, भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी नीतियों और रीतियों से प्रभावित होकर के इस ग्राम पंचायत के सरपंच आदरणीय सरबजीत सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है और माननीय जिलाध्यक्ष जी, सांसद जी से कि सरबजीत सिंह जी, सच्चिदानंद त्रिपाठी जी, सोनू जी और मोहन तिवारी जी, पुष्पराज सिंह बघेल जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्रदान करने का कष्ट करें। आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ में माननीय सरबजीत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रीति नीति पर चलने का संकल्प लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैं माननीय हमारे जिले के विकास पुरुष और सपना की आवाज बनकर के अन्यथा कार्यरत दान करने वाले माननीय सांसद जी से आग्रह करता हूँ कि अपने विचारों से जनता जनार्दन को संबोधित करने का। भारत माता की। आज रेगांव की इस पवित्र धरती में मुख्यमंत्री जी की जन दर्शन यात्रा यहां पर आई है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने स्थान में खड़े होकर के तालियां बजा करके मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि इस राज्य के विकास के पुरोधा कर्मवीर मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री, जनता को अपना भगवान मानने वाले मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश को बीमारु राज्य से निकालने वाले मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय विजय साय जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री रामचरण पटेल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, हमारे रेगांव विधानसभा, हमारे रामपुर बघेला विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम सिंह जी, पार्टी संगठन के हमारे जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र पाठी जी, संगठन के प्रभारी अभय प्रताप सिंह यादव जी, आदरणीय राजेंद्र पांडे जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी आदरणीय नेतागण, यहाँ पर उपस्थित हमारे रेगांव विधानसभा क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गगण, भाइयों, बहनों, मित्रों, समाचार पत्रों के सभी प्रतिनिधिगण, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने यथाउचित स्थान पर थोड़ी देर तक शांति बना के रखें। आज सचमुच मध्य प्रदेश जिस मुकाम पर खड़ा है, जिसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है, एक ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने पिछले 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार थी पूरा प्रदेश पटरी से बाहर चला गया, फिर से
सारी योजनाएं बंद कर दी गई, लेकिन कोरोना काल होने के बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने फिर से मध्य प्रदेश को पट्टी में ला करके खड़ा कर दिया। आज विकास तेज गति से दौड़ने लगा, आज जन कल्याण की योजनाएं लोगों के घर तक पहुंचने लगी। आज उसी का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप लोग यहां पर जितनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। आज सबसे पहले मैं अंत्योदय के जो जनक, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों को एक एक योजना का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, उसके प्रणेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आज उनका जन्मदिवस है, सबसे पहले मैं उनका उनके चरणों में वंदन करता हूं, उनका पुण्य स्मरण करता हूं। दूसरा एक और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, हमारे क्षेत्र कोठी के मनकारी क्षेत्र के 1857 की लड़ाई में ठाकुर भगवत सिंह ने, जिन्होंने अपनी योद्धा और वीरता के नाम पर पहचान कराई थी, आज उनका भी जन्मदिवस है। मैं चाहता हूं एक बार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये मध्य प्रदेश कई मामलों में आज प्रदेश देश के अन्य राज्यों से आगे निकल गया। आज दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों का एक लक्ष्य है, वो है सबका साथ सबका विकास, गांव गरीब किसान इन सबके कल्याण के लिए काम करना। और आज दोनों सरकारों ने जिस तरह से काम शुरू किया वो अद्भुत है। आज मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास में नंबर एक में पहुंच गया, आज भारत उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर वन पहुंच गया, आज प्रधानमंत्री स्वनिधि में मध्य प्रदेश आगे चला गया, सुशासन और स्वराज में नंबर एक पर है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में भी मध्य प्रदेश नंबर वन पर है, कोविड की वैक्सीन में भी मध्य प्रदेश नंबर वन है, स्वच्छता में भी नंबर वन है, फसल की खरीदी में भी नंबर वन है। बिना ब्याज का ऋण देने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश नंबर वन पर है। यह उपलब्धियां शिवराज सिंह चौहान जी के रहते हुए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं 17 के नागरिकों की तरफ से। आज जिस तरह से गरीबों के कल्याण में और किसानों के कल्याण में जो योजनाएं आपने सुनाई है वो अद्भुत है। मैं जिस क्षेत्र में आज आपका आगमन हुआ, ये रहगांव हमारे विधानसभा का मुख्यालय, यहाँ पर चारों तरफ कृषि कार्य होता है। अभी बरगी परियोजना में 314 गांव रहगांव विधानसभा क्षेत्र के शामिल है, जिनमें लगभग 49,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का पानी पहुंच रहा है। 902 करोड़ की स्कीम आपने बना दी है, वो टेंडर में जाने वाली है। सलीमाबाद में जो नहर बनाई जा रही है, जिसका आपने रोज आज हर रोज आप पर उसका निरीक्षण कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। 2023 समाप्त होते होते बरगी का पानी इस क्षेत्र में पहुंचेगा। आपने जो संकल्प लिया उस संकल्प को जरूर पूरा होगा, यह पूरे सबको जानकारी देना चाहता हूं। ये तहसील मुख्यालय है लेकिन भवन नहीं है। मैं आपसे चाहूंगा कि यहां पर भवन मिले, यहां पर थाना बना है, चौकी बनी है, मैं चाहता हूं थाना बन जाए। यही लोग यहां चाहते हैं, यहां के बच्चों को पढ़ने को 25 से 30 किलोमीटर जाना पड़ता है, चाहते हैं कि यहां पर महाविद्यालय खुल जाए, यहां पर खेलने के लिए स्टेडियम बन जाए, यहां पर कोई आता है विधानसभा का विधायक भी कभी आए तो कहीं विश्राम गृह नहीं है, यहां पर एक विश्राम गृह बनने की जरूरत है। पड़ोस के इलाके में शबरवाला मंडल में रानी अवंतीबाई की जयंती हर साल मनाई जाती है, वहां के लोग तमाम लंबे समय से मांग कर रहे थे उनका एक स्मारक बने, उनकी स्टेच्यू बने। मैं आज आपसे सामने मांग करता हूं कि उनकी स्टेच्यू की भी वहां पर स्वीकृति दी जाए। ये विधानसभा का मुख्यालय है, हम सतना से पूरब से पश्चिम तो जुड़े हैं लेकिन हम उत्तर से दक्षिण नहीं जुड़े। हम सिंहपुरा से अगर कोठी जाना चाहे रहेगा होकर के तो रास्ता नहीं, हम चाहते यहाँ पर एक रास्ता जो पूरब से जो दक्षिण से उत्तर को जोड़ने वाला सिंहपुरा से कोठी रहेगा होते हुए उस रास्ते की घोषणा होनी चाहिए। यहाँ पर विद्युत का भी संकट है, बगल में गाँव मुड़ा है, बगल में गांव करसना है, बगल में गांव उड़की है, यहाँ पर विद्युत सब स्टेशन की मांग लंबे समय से होती आई है,
मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस पर अपनी कृपा रखेंगे। कई सड़कों के मामले भी है, क्योंकि समय कम है, आज आप बहुत व्यस्त हैं। मैं जानता हूं आपकी व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए 5 बजे आपको सतना से दिल्ली प्रस्थान करना। मेरी पूरी कोशिश है कि रास्ते में सब जगह लोग आज इसी तरह का जनसभा उमड़ा हुआ। मैं चाहता हूं कि बाकी बातें मैं आपसे फिर बात में कर लूंगा, लेकिन इतना ही जरूर मेरा आपसे निवेदन है कि जो कुछ करते हैं, जैसे नवस्था, कोलार, कचनार, बच्चा, पड़रोस, नैना चौराहे से बिंदोस, देवटा, गोपालपुर, दिलौरा, मोहनी, सायरों से राजपुर, मगरे से हाटी, खगड़िया से उतैली, घूमकहार से बसवई, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिनकी स्वीकृति में चाहूंगा कि आप इस वक्त मिले, आप यहाँ पर पधारे। मैं हृदय से सतना के समस्त नागरिकों की तरफ से, विशेष रूप से रैगांव क्षेत्र के एक एक नागरिक की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण सिंह जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, धन्यवाद। सांसद जी, मैं संगठन की ओर से गजमाला से स्वागत कराना चाहूंगा। और आजीविका मिशन, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप माताओं और बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आजीविका मिशन के माध्यम से स्वसहायता समूह जो चलते हैं वो हमारे जिले में नए तूफान कर रहे हैं। तो आजीविका मिशन जो हमारे सतना जिले में जो कुछ सामग्री बनाई है, उन बहनों से मैं आग्रह करता हूँ कि अपने द्वारा बनाए हुए जो हमारे यहाँ सामग्री है, वास की सामग्री और बांस के कुछ पदार्थ हैं और कुछ खाद्य सामग्री है, जो स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की जाएगी। आजीविका मिशन की बहनों को से आग्रह है कि वह सामग्री माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हमारे क्षेत्र में जहाँ एक तरफ बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाने का काम किया है, वहीं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वसहायता समूह के माध्यम से आज ये सतना जिले के समूहों के माध्यम से जो सामग्रियां बनाई गई हैं, वो आप सभी आपको भेंट की जा रही है स्मृति के रूप में। मैं दो लाइनों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की प्रतिमूर्ति है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान। मैं दो लाइनों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर बुलाना चाहता हूँ मंच में। मानवता के लिए उत्साह की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित चलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम, स्वागत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य ध्वनि के, स्वागत करिए अपने लाडले मां बेटों के मामा के। अब आराम से बैठ जाए जरा। क्या रहता है कि आप खड़े रह के कई स्पीडिंग करते रहते हैं तो जनता का भी ध्यान पड़ता है, इसलिए सब शांति से आप भी बैठेंगे, क्योंकि ये जनदर्शन है केवल आम सभा नहीं है, भाषण फटकारा और चले गए। जरा प्रेम से कुछ बात हो जाए जनता से। मंच पर विराजमान जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के वन मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय शाह जी, हमारे यशस्वी मंत्री जो खनिज मंत्री भी है, आदरणीय